मेरे प्यारे साथियों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों को त्रिभुज वाले चैप्टर का कक्षा 10 का यूपी बोर्ड में, और ये एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रमेय प्रूव करने के लिए कक्षा 10 में, 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इससे, और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन इजी है, बस केवल समझना है। और सब पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं। हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती हैं, समान मतलब समरूप होती हैं। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, और अगर दो बराबर है तो तीसरा भी सेवर है, बराबर होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं और एक त्रिभुज लेते हैं डीईएफ। दो त्रिभुज हो गई, तो दिया है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ, जिसमें इनकी भुजाएं समान पाती हैं। मतलब इसको इसको ले लेते हैं संगत भुजा, इसको इसको और इसको इसको ले लेते हैं, इनकी भुजाएं क्या है, समान अनुपाती हैं। मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इनके कोण बराबर होते हैं, संगत कोण, भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए समरूप होते हैं। मतलब अगर कौन कौन लिए हैं, ए बी मतलब बी सी बटा ई एफ लिए हैं तो बी सी के संगत ई, तो बी सी के सामने कोण ये और ई एफ के सामने डी, तो ए और डी क्या होंगे, आपस में संगत कोण होंगे। ऐसे ए सी डी एफ, तो ए सी के सामने बी और डी एफ के सामने ई, तो बी और ई संगत होंगे। और ऐसे अब एक बच गया ए बी, तो ए बी के सामने सी, कौन सी, ए बी के नीचे डी ई, तो डी ई के सामने एफ, कौन एफ। मतलब तीन कोण बराबर हैं तथा और तब बराबर होने पर त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, तो रचना करेंगे सबसे पहले। यहां एक बिंदु P ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आपका मन का है, P और Q ले लेंगे। ठीक, तो भुजा AB और आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं थोड़ा कम, ए सी पर बिंदु पी व क्यू इस प्रकार लिया कि ए पी बराबर डी ई और ए क्यू बराबर डी एफ। ए क्यू बराबर क्या लिया गया, डी एफ लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे,
ये हम लोगों को देख लेना है, प्रूव कर लेना है कि ये और ये समांतर हैं। समांतर होगी तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये दिया पॉइंट है, क्या दिया है, ये ए बी बाई डी ई। तो अब उत्पत्ति हल करेंगे, और फिर हमने क्या किया, इसमें पी को क्यू से मिलाया, पी को कि उसे क्या किया गया है, मिलाया गया। अब चलो उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति में क्या है, ए बी बटा डी ई इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। ये तीनों बराबर है लेकिन दो लेंगे, ये दिया है, ये बराबर दिया है। अब हमारी रचना क्या है, रचना से जो डी ई है वो किसके बराबर है, डी ई जो है ए पी के बराबर है, और जो डी एफ है वो किसके बराबर है, डी एफ ए क्यू के बराबर है। अब क्या होगा, उठा के यहाँ रख देंगे तो हमको मिलेगा ए बी अपॉन डी ई के जगह पे ए पी इक्वल टू ए सी अपॉन, और डी एफ के जगह पे ए क्यू रखेंगे, क्योंकि रचना से लिया था ना कि ए पी के बराबर डी ई और ए क्यू के बराबर डी एफ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा ए क्यू। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब ए बी सी में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा भाई, ए बी बटा ए पी हमने सिद्ध किया इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू, ये सिद्ध किया गया। ठीक, तो जब यह है तो क्या होगा, प्रमेय 6.2 के अनुसार, प्रमेय 6.2 क्या था, कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं एक रेखा खींची जाए और वो दो भुजाओं जिन दो भुजाओं को प्रक्षेद करें उसे समानुपात में बांट दें, तो वो खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या होगा, पी क्यू समांतर बी सी। अब पी क्यू अगर समांतर है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा भाई, समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काटे तो क्या होगा, जितने अंश का ये बनेगा उतने अंश का ये बन जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, एक ही ओर के संगत कोण। संगत कोण आप क्या करेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए भाई, दो कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज, अतः त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC, ये समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं में क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा भाई। अगर ये समरूप हो गए, ठीक, क्यों समरूप हुए, एंगल एंगल कसौटी से, ठीक, एंगल एंगल समरूपता नियम से, अब आगे क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अब ये तो दिया है दो, और ए बी बाई डी एफ ए सी इक्वल टू डी एफ। चलिए तो अब ये अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं में क्या होगा, समानुपात होगा। मतलब एपी अगर ये समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। एपी बटा एबी, मतलब ये अलग अलग त्रिभुज होगा भाई, एपी क्यू अलग है और एबीसी अलग है, तो एपी बटा एबी, या हम एबी पहले लिख लें, एबी बटा एपी इक्वल टू क्या
क्या हो जाएगा? एसी, एसी बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? एसी बटा हम लोग लिख सकते हैं एसी बटा ए क्यू। और क्या लिख सकते हैं भाई? जब दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपात होंगी, 6.3 में पढ़ चुके हैं। पी क्यू बटा क्या हो जाएगी? बी सी हो जाएगी, पी क्यू बटा बी सी, पी क्यू बटा बी सी हो जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये दिया हुआ पॉइंट है, उससे देखेंगे। हमको ये प्रूव कर देना है कि जो हमारी पी क्यू है वो ई एफ के इक्वल है। तो पी क्यू बराबर बी सी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम ए पी के जगह पे डी ई रख सकते हैं और इसके जगह पे ए भी रख सकते हैं। तो ए पी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? ए पी के जगह पे डी ई, रचना से आप लोग पढ़ चुके हैं। या तो ए पी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? ए बी इक्वल टू ए पी के जगह पे डी ई इक्वल टू ए सी, और ए क्यू के जगह पे क्या रख सकते हैं? डी एफ, रचना के अनुसार ना, क्योंकि ए क्यू के बराबर डी एफ है। यहां देख चेक कर सकते हैं आप, यहां चेक कर सकते हैं, बराबर पी क्यू बटा वी सी। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इतने का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सबसे पहले क्या है, ये दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा डी ई एफ है, दो त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ जिसमें क्या है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। मैंने माना ए बी का संगत डी ई है और ए सी का संगत डी एफ है और बी सी का संगत ई एफ है। तो ये तीनों आपस में समानुपाती हैं। सिद्ध करना क्या है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो भाई हमने ए बी बाई डी ई लिया, तो ए बी बाई डी ई लिया तो ए बी के सामने कोण सी और डी ई के सामने एफ, तो कोण सी बराबर कोण एफ होने चाहिए। ऐसे कोण बी बराबर कोण ई प्रूव करना है और कोण ये बराबर डी प्रूव करना है। तो अब हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं? हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, ये दोनों में है। अगर हम ये प्रूव कर दें त्रिभुज ए पी क्यू त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम है तो क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलो अब इसमें से चाहे पूरा ले, अभी एक मत मानो, चाहे थोड़ा सा ले ले, ए बी बटा डी ई बराबर है ना, तो तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है तो हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू बटा बी सी। ठीक, इसको समीकरण एक मान लेंगे। अब दिया है ए बी बटा डी ई, ए बी बटा पी क्यू बटा बी सी, और दिया क्या है ए बी बटा डी ई इक्वल टू, ये दिया है इसमें देखते हैं बी सी बटा दिया है बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। अब ये आपका दिया हुआ, यहां दिया हुआ पॉइंट है, ये लिख लेंगे दिया है। अब लिखेंगे समीकरण एक व दो से, एक व दो से, तो एल एच एस बराबर है, आर एच एस भी आपस में बराबर होगा। तो ये पी क्यू यहां देखते हैं हम लोग कि पहले एबीसी भुजा लिए हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज एबीसी की पहले लिख रहे हैं ना, तो एसी बाई ए पी, फिर उसके बाद में एसी बाई ए क्यू, उसके बाद में फिर बीसी बाई पी क्यू लिखेंगे, बीसी बाई पी क्यू। ठीक, अब यहां जो लिखेंगे BC ऊपर रहेगा, BC बाई PQ। अब समीकरण एक बार दो से जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, हम लोगों को मिलेगा ये इधर वाला LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल होगा, मतलब BC अपान PQ इक्वल टू BC अपान EF। अब क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा कर लो, इससे इधर गुणा कर लो, भाग कर लो, तो EF इक्वल टू आपका हो जाएगा BC
गुड़े पी क्यू, और ये क्या है बी सी, इधर भाग हो जाएगा, बी सी से बी सी क्रॉस कर दो। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने ये सिद्ध कर लिया कि ई एफ जो है वो किसके बराबर आ गया, ई एफ जो है वो पी क्यू के बराबर आ गया, मतलब पी क्यू और ई एफ आपस में बराबर हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम लोग तो क्या होगा भाई, तीनों साइड्स ये तो रचना से हैं, ए पी इक्वल टू डी ई रचना से, और ए क्यू इक्वल टू डी एफ ये भी रचना से है, ये दोनों रचना से हो गए, और ये हमने सिद्ध कर दिया पी क्यू बराबर ई एफ सिद्ध किया। अब हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाती हैं, सर्वांगसम हो जाती हैं, साइड 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 समरूपता नियम लगता है। अतः क्या कह सकते हैं हम लोग, अतः हम लोग कह सकते हैं भाई एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। अब अगर ये सर्वांगसम है तो फिर क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण इसे लिख सकते हैं ऐसे ऐसे सर्वांगसमता नियम से, नियम से तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा और कोण पी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और नहीं कोण क्यू नहीं कोण ई, और कोण क्यू बराबर कोण एफ, ये हो गया। अब हम लोग क्या प्रूव किए थे कि कोण ए बराबर कोण डी सही है, चलो एक तो प्रूव हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है कोण पी के बराबर कोण बी भी तो था, ये दोनों समांतर थी ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण बी और कोण क्यू बराबर कोण सी, ये पहले से है हम लोग प्रूफ किए थे ना, तो अब क्या होगा यहां तो कोण ए के बराबर डी तो रहेगा रहेगा, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, पी के बराबर क्या आ जाएगा बी, तो कोण बी बराबर कोण ई, और क्यू के बराबर सी होगा तो कोण सी इक्वल टू कोण एफ। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया त्रिभुज ए बी सी की कोण ए के बराबर कोण डी, कोण बी के बराबर कोण ई और कोण सी के बराबर कोण एफ। हमने क्या सिद्ध किया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपाती हों तो वो दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं आपस में। हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, बराबर हो गया, प्रूव हो गया। अतः हम लोग क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसमें कौन सा नियम लगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजा समानुपाती थी ना, तो इसमें एस 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 समरूपता नियम से, इसको समरूपता नियम कहते हैं, एस एस साइड 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 भुजा भुजा भुजा। मेरे प्यारे साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक व कमेंट जरूर करिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें।